रूसी सरकार ने सनफ्लावर तेल निर्यात टैक्स घटाकर 8,621.32 रूबल कर दिया है। टैक्स में कटौती से रूसी सनफ्लावर तेल खरीदी में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। रूस 18 मिलियन मीट्रिक टन की अपनी सबसे बड़ी सूर्य बीज फसल से पहले अपने काफी बड़े तेल भंडार को कम करना चाहता है, इसलिए उन्होंने टैक्स में कटौती की है। इससे आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर असर दिखाई दे सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक 1,50,000 बोरी के करीब देखने को मिल रही है। प्लांटों की खरीदारी कमजोर होने से सोयाबीन की कीमतों में फिलहाल मंदी का वातावरण बन चुका है। पिछले 7 महीनों में अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल का निर्यात 2021 में इसी अवधि में 3.9 मिलियन टन की तुलना में घटकर 2.8 मिलियन टन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।